आज हम देखेंगे एक और स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में जो इस्तेमाल होता है वो गो टू स्टेटमेंट है। गो टू स्टेटमेंट सीखने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रोग्राम बना के सीखें। सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ एक्स, जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से। अब मैं यहाँ पर एक लेबल लिखूंगा जिसका नाम होगा स्टार्ट, और उसको मैं इस तरह कॉलन दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तब हम क्या करेंगे, हम एक और अब यहाँ पर हम गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। गो टू एंड एक स्टेटमेंट में यहाँ पर, अब ये एंड हम डिफाइन करेंगे, फिलहाल हमने सिर्फ स्टार्ट डिफाइन किया है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अपने इस वेरिएबल को जो कि है एक्स, और हम क्या करेंगे एक्स को प्लस प्लस भी करेंगे। आप इसको कई बार भी कर सकते हैं, इस लाइन पे भी कर सकते हैं, या इस इफ के चेक के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ हम कहेंगे गो टू स्टार्ट, और यहाँ हम एक और लेबल देंगे जिसका नाम होगा एंड, और उसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे जिसमें हम लिखेंगे एंड ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर मैं एक बैक स्लैश एन देना चाहूँगा। अब इसमें हो कह रहा है कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो सबसे पहले काउंट हमारे पास ये 0 है, और उसके बाद हम एक स्टार्ट लेवल बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर एक्स बड़ा है 10 से तब आप एंड पर जाएं, यानी कि लाइन नंबर 15 पर यहाँ पर आ जाएं। लेकिन दूसरी सूरत में आप क्या करें, प्रिंट एफ करें इस एक्स को, और उसमें एक एक इंक्रीमेंट करें और स्टार्ट पर जाएं, मतलब यहाँ पर, और उसके बाद दोबारा आप चेक करें। तो एक अलग तरीका है एक लूप वाले काम को करने में, आप इस तरह भी गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक्स 10 से बड़ा हो जाता है तो हम एंड पर आते हैं और एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट करते हैं। तो इस तरह आप जो हमने इस्तेमाल किया था फॉर लूप, उसका एक अल्टरनेटिव हमारे पास ये गो टू स्टेटमेंट भी है। हम गो टू और लेबल के जरिए से किसी भी एक प्रोग्राम से जंप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कंडीशन उस प्रोग्राम में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, या हमें कोई सजेशन दे सकते हैं।